एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मेरा सेकेंड व्लॉग आएगा जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ सांची स्तूपा यानी गणेश जी के मंदिर जाने वाली हूँ। ऐसा लोग मानते हैं कि वहाँ जो भी जाता है, कोई भी विश मांगता है, वो पूरी होती है। सो आज मैं भी मांग के देखती हूँ। के लिए रेस्ट लिया है बीच में। अब यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल फील्स हैं, जहाँ अभी क्या लगा है डोंट नो, मुझे नहीं पता इतना इन सब के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, बट ये शायद वो है, क्या कहते हैं, राई, राई होते हैं ना, राई के पेड़ हैं, मस्टर्ड, यस। तो बस घूम रहे हैं धीरे 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 धीरे। देखते हैं फर्स्ट टाइम, लाइक मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही ट्रेवल कर रही हूँ, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। लेट्स सी यहाँ हमें कितनी सारी न्यू चीज़ें देखने मिलती हैं। नहीं, यहाँ काफ़ी पहले चलना पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पर। यस, बहुत सारे फॉरेनर्स लोग आते हैं, ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है एक। सो अभी विजिट कर सकते हैं, भोपाल से ये 45 किलोमीटर्स दूर है, 40 to 45 किलोमीटर्स, एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। हम सभी लोग बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, रीड करते हुए, नहीं हमने इतनी धूप है, इतनी ज्यादा क्या कर सकते हैं। हेलो मामा, फोन में बाद में, अभी हम घूमने आए हैं, ऐसी लाइक मैसेज रीड, मैसेज भी आ गया। सो आज मेरे साथ मेरे पापा भी आए हैं। पापा आए हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ही अच्छे अंकल मिले हैं जो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ कैसे क्या है। ये हेलो। सो अब हम लोग इस केव से, जो मेन केव है, उससे वापस जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ काफी अच्छी स्टेयर्स हैं। $20 का
जाना अलाउड नहीं है, कुछ है यहाँ हर जगह किसी ना किसी चीज़ की कुछ ना कुछ है, सो हम जा नहीं सकते, पता नहीं, खाली है। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज हलाली डैम। ये स्तूपास हम सब ने घूम लिया है, अब हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ चलते ही जा रहे हैं। सो अब देख सकते हैं कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स बहुत साल पुराने बनाए गए हैं। यहाँ इतना कुछ खास नहीं है देखने लायक, बट ये बहुत फेमस है, इसकी वजह से यहाँ सब टूरिस्ट आते हैं एंड एंजॉय। हलाली डैम आ चुके हैं, जस्ट एंटर ही किए हैं अभी। टिकट्स काउंटर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेस है ये, वाओ, काफी अच्छी जगह घूमने लायक। इतने 2 आवर्स के बाद गणेश जी के मंदिर जो सीहोर में है पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सभी भक्त बहुत ही दूर दूर से आए हैं दर्शन करने गणेश जी के। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने के बाद हर भक्त की सारी विशेष पूरी होती हैं, सो मांग के देखते हैं।
हम परिक्रमा लगाते हैं।